गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. लेट अस स्टडी अबाउट हाउ आर एडजेक्टिव्स फॉर्म. आज हम लोग स्टडी करेंगे कि एडजेक्टिव कैसे बनता है. नाउन हो या वर्ब हो, उसे हम एडजेक्टिव का कैसे निर्माण करेंगे. इसके पूर्व वी हैव स्टडीड अबाउट एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन. यानी इसके पहले हम लोग कंपैरिजन एडजेक्टिव का पढ़ चुके हैं, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन और वर्ब से कैसे हम एडजेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं. तो एडजेक्टिव आर फॉर्म बाई एडिंग एबल, एल, आई सी, आई डी, वी एंड सम फ्रॉम नाउन एंड वर्ब. यानी इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे शब्द हैं जिसको ऐड करके हम नाउन या वर्ब में उसको हम एडजेक्टिव बना सकते हैं. जैसे पहला देखिए, इसमें बाय एडिंग एबल, अगर हम एबल का प्रयोग करते हैं, जैसे रिमार्क करना रिमार्क है, अगर रिमार्क में हम अगर ए बी एल जोड़ देते हैं तो रिमार्क एबल हो गया, ये आपका एडजेक्टिव बन गया, ये हो गया एडजेक्टिव. और रीजन है, रीजन के मतलब इसका जो बन गया इसमें ए बी एल लगा दिया तो रीजनेबल हो गया, यानी कारण करने योग्य हो गया. ऐसे रीजन माने बुद्धि भी होता है. इसमें रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स का मतलब उत्तर देना होता है. इसमें ए बी एल हो गया तो रेस्पॉन्सेबल हो गया, जिम्मेवार हो गया. इसके बाद देखिए ओरिजिन, मौलिक चीज. इसमें ए एल अगर एड कर दिए तो आपका ये एब्जेक्टिव बन गया, क्या ओरिजिनल बन गया, जो ओरिजिनल असली होता है. रीजन होता है क्षेत्र, इसमें एल जोड़ दिए तो रीजनल हो गया, क्षेत्रीय हो गया. फिर इसके बाद पेरेंट माने माता पिता, इसमें एल जोड़ दिए तो पेरेंटल हो गया. तो इन सारे सब नाउन हो या वर्ब हो, इसे हम अगर एल जोड़ते हैं तो इसे एडजेक्टिव का निर्माण होता है. नेक्स्ट जो है बाई एडिंग आई, आई सी, अगर आई सी जोड़कर इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे आइकन होगा, आइकन मूर्ति. तो इसमें हम आइकन में आई सी जोड़ दिया तो आइकॉनिक हो गया. पेन दरअसल इसमें आई खत्म हो जाएगा और इसमें आई सी जोड़ेंगे तो पेनिक हो जाएगा. इस तरह से पोएट है, कवि है, कवि में अगर आई सी जोड़ दिए तो पोएटिक हो गया. तो ये सारे चीज से आई सी ने जोड़कर हम बना सकते हैं. इसके बाद बाई एडिंग ओ यूएस, ओ यूएस के जैसे फेम होगा, प्रसिद्ध, तो प्रसिद्धि है. तो इसमें अगर हम ओ यूएस जोड़ दिए तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया, फेमस बन गया, प्रसिद्ध. जनरल है, समान हो गया, जनरस हो गया इसके. तो ये सब सारे उदार हो गए. कंटिन्यू लगातार हुआ, इसमें कंटिन्यूअस हो गया, सतत. तो ये सब सारे चीज से ओ इवेस ऐड करके हम जो है एडजेक्टिव को बना सकते हैं. इसके बाद फूल, हरा हुआ, जैसे सौरो है, दुख हो गया, इसमें क्या हो गया, सौरो फूल हो गया, आपका दुख से भरा हो गया. पीटी है, पीटी मतलब दया होता है, इसमें फूल जोड़ दिए पीटी फूल हो गया. तो इन सारे चीजों से हम एडजेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं. इसी तरह से सम का ऐड करके, अगर सम माने कुछ होता है, ट्रबुल में हम सम ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ट्रबुल सम हो गया. और क्वारल है, झगड़ा, इसमें अगर सम जोड़ दिए तो क्वारल सम हो गया. तो इस तरह से हम विभिन्न, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जिसको हम लोग कहते हैं कि एक तरह से ये सफिक्स हो गया, दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है. एक तरह के कहिए कि अगर नाउन और वर्ब में अगर हम सफिक्स ऐड कर देते हैं, प्रत्यय एक तरह से जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हम एडजेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं. इसका और बहुत सारे हैं. इस बस इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद लेटर हम बताएंगे.